हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे मैथ सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसे हिंदी में समाकलन बोलते हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज 7.11 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें 7.11 में हम पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो मैंने बनाया था, उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस पार्ट को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो थी उन्हीं के बेस पे जो कि एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसमें बताई हैं। यदि आप यहाँ पे यदि पार्ट सेकंड को डायरेक्टली देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है ना। तो आपको चाहिए कि आप पार्ट्स का फर्स्ट जरूर देख लें, ठीक है। चलिए इसमें जो पार्ट सेकंड है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से आगे आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। देखिए ये जो एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है मेरा, इसको आप क्या करो, लेट आई इक्वल्स टू, इसके मान के चलिए ये पूरा आई के इक्वल है, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको स्टूडेंट्स हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्योंकि मुझे पता है एक प्रॉपर्टी मेरी होती है 0 से लेके ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास हो तो इसको क्या होता है, लिमिट 0 टू ए ही रहेगी, बट क्या होगा जो जो लिमिट होती है वो हम जो फंक्शन होता है उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये डी एक्स इस तरीके से, अब इसको हम जैसे ही करेंगे इस प्रॉपर्टी को जैसे यूज़ करेंगे तो आई इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा 0 से लेके पाई बाई 4 ही रहेगा, पाई बाई 4 ही रहेगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग ब्रैकेट 1 प्लस 10, जहाँ पे मैंने बताया था जहाँ पे x होगा वहीं पे ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर देंगे, 10 पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस x, इस तरीके से इसको हम यूज कर देंगे, ठीक है, लिख देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि 10 a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10 a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10 a माइनस 10 b डिवाइड में होता है 1 प्लस 10 a और 10 b, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा a है वो हमारा है पाई बाई 4 और जो b है वो है हमारा x, ठीक है। जैसे हम इसमें यूज करेंगे तो i का i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, 0 टू पाई बाई 4 हमने लिख दिया इसको। ये क्या है log, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये क्या है 1 प्लस 10 a, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये एक और ये भी, समझ में आ गया ना। तो 10 पाई बाई 4 माइनस का 10 x डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 और ये क्या हो जाएगा 10 x, ठीक है। इस तरीके से इसको हम नोट लिख लेंगे। देखो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाई 4 और ये क्या हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 10, यहाँ पे देखो इसकी जगह पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस 10 एक्स और डिवाइड में कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो आई इक्वल का साइन ये क्या हो जाएगा 0 से लेके कितना है पाई बाई 4 हमारी लिमिट है और ये क्या हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर, यहाँ जैसे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना है 1 प्लस 10 एक्स, 1 प्लस 10 एक्स, तो यहाँ पे ये कितना है इसमें बटे करके, तो ये यहाँ पे तो 1 प्लस 10 एक्स ही आ जाएगा, 1 प्लस 10 एक्स, क्योंकि डिवाइड 1 है, 1 का डिवाइड करेंगे कितनी टाइम जाएगा, यहाँ पे तो वो प्लस का साइन है, प्लस 1 माइनस 10 एक्स, ठीक है, माइनस 10 एक्स। यहाँ देखो 10 एक्स से 10, ये देखो प्लस का 10 एक्स है और ये माइनस का 10 एक्स है, ठीक है। ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से लेके पाई बाई 4 और ये ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, चलो यहाँ से ना छोड़ के यहाँ पे ना करके हम यहाँ पे किए दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये पाई बाई 4 की वैल्यू जो है कितनी है, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आई इक्वल का साइन 0 से लेके कितनी है लिमिट पाई बाई 4 ही मुझे दे रखी है। ये हमारा लॉग है, ये हमने लॉग ब्रैकेट, ये ऊपर कितना आ जाएगा सिर्फ 2 और नीचे कितना है 1 प्लस 10 एक्स, ठीक है। अब आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि यदि आपके पास लिखा हो लॉग एम अपॉन एन तो क्या हो जाएगा, मेरे पास लॉग एम और माइनस का लॉग एन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग 2, लॉग 2 माइनस लॉग, ये ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट 1 प्लस 10 एक्स, इस तरीके से। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके पाई बाई 4
और ये कितना हो जाएगा log 2 माइनस 0 से लेके पाई बाई 4 log ब्रैकेट में 1 प्लस 10x, यहाँ पे dx और आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी dx चल रहा होगा मेरा, और यहाँ पे भी dx, हर जगह dx है, छोड़ ही दिया मैंने, हर जगह dx है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ये dx हर जगह है dx। ठीक है, ये देखिए i इक्वल, ये देखो जिसे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी थी, इक्वेशन फर्स्ट देखो i की वैल्यू देखो यही तो है, 0 से लेके पाई बाई 4 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 10x, यही तो है 0 से लेके पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या i इक्वल्स टू, ये लॉग 2 तो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लेंगे और लिमिट कितनी है 0 से लेके पाई बाई 4, और यहाँ पे कितना 1 बचेगा, और ये dx, यहाँ पे भी dx लिखो dx। ठीक है, और माइनस का साइन, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे i, क्या लिख देंगे i लिख देंगे, राइट। ये कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट से लिया, जो i है इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2i, माइनस का है ना, इधर आएगा प्लस का, तो i प्लस i 2i हो जाएगा। और ये देखो log 2 है, कितना है log 2 है, यहाँ पे 1 का करेंगे तो x आएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, और 0 से लेके पाई बाय 4, राइट। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे और क्या, तो 2i इक्वल का साइन log 2, ये जो 2 है इसका ऐसा डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 और log 2। ठीक है, 1 बाई 2 log 2, और इसमें जैसे करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये इस तरीके से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i इक्वल्स टू, तो मेरे पास क्या है 1 बाई 2 log 2। ठीक है, 1 बाई 2 log 2, और मल्टीपल कितना है पाई बाई 8 का, बहुत सॉरी पाई बाई 4 का है, तो ये कितना हो जाएगा i इक्वल्स टू 2 का मल्टीपल करेंगे तो पाई बाई 8 और log 2। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसे नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें भी जो प्रॉपर्टी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में लगाई थी वही प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, i इक्वल इसे मान लेंगे। ठीक है, आई के इक्वल हमने से मान लिया, अब क्या करेंगे, इसमें क्या है प्रॉपर्टी, जीरो से लेके यदि a हमारी लिमिट है और f ऑफ x, ठीक है, और ये dx है, तो इसमें क्या होगा, जीरो से लेके लिमिट तो a ही रहेगी, बट क्या हो जाएगा a माइनस लिमिट से फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये dx, तो ये बन जाता है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल का साइन लगा देंगे, लिमिट मेरी जीरो से लेके टू ही रहेगी, पर हो क्या हो जाएगा यहाँ पर टू माइनस एक्स, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर टू माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे dx, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, i इक्वल का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, ये क्या है 2 माइनस का x है, और ये अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्लस का x। ठीक है, माइनस ये प्लस माइनस की संख्या है, तो साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट में, जैसे मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स मेरे पास, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 हमारी लिमिट है, ये 2 माइनस एक्स, और ये बचेगा अंडर रूट एक्स, अगर अंडर रूट एक्स है तो ऐसे ही अंडर रूट को हम हटाएंगे, इसकी पावर कितनी आएगी 1 बाई 2, और ये डी एक्स पावर, एक्स की पावर 1 बाई 2 का इधर अंदर क्या कर देंगे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 और 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस एक्स और एक्स की पावर 1 बाई 2, इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ये डी एक्स। यदि इसको ही स्टूडेंट्स हम क्या करें, इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दो, और ये देखो पावर सेम है तो इसकी घातें जो होती हैं, जो इसकी जो बेस है आधार है वो समान है, तो इसकी पावर्स जो घातें हैं वो कैसे जुड़ जाएंगी, तो 1 प्लस 1 बाई 2 को करेंगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जैसे करेंगे तो इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे इसका करते तो 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 लिमिट इसकी गई हो और एक्स की पावर कितनी है 1 बाई 2 और ये dx। ठीक है, और ये माइनस का साइन, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा 0 से लेके हमारी 2 लिमिट गई वो x की पावर कितना हो जाएगा 3 बाई 2 और ये dx, इसको सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 है, 2 को तो हम वैसे ही लिख देंगे, वो x की पावर 1 बाई 2 वो प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बाई 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है हम यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहे हैं, इंटीग्रेशन जैसे हमारा है और x की पावर n लिखा हुआ है और dx है तो क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 और नीचे क्या है n प्लस 1 प्लस, यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो हम यहाँ पे करेंगे, पावर 1 बाई 2 है प्लस 1 करें तो कितना हो जाएगा 3 बाई 2, जैसा कि यहाँ पे किया था 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 हो गया था, और नीचे भी 3 बाई 2 आएगा, अब जैसे लिखा वो नीचे लिखा है 3 बाई 2 है तो ये 2 ऊपर जाएगा तो इसे कैसे लिख देंगे 2 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे, राइट,
अब यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और ये कितना है पावर 3/2, ठीक है। अब 3/2 प्लस 1 करोगे स्टूडेंट्स, 3/2 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बट्टे करेंगे तो 5/2, क्योंकि यहाँ पे 3+2 होगा तो 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 5/2, नीचे जो 5/2 आएगा तो ये 2 ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम नीचे का पूरा हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। और इस पे जो हमारी लिमिट है अलग अलग लगा दें, 0 से लेके 2, और यहाँ पे भी हमारी लिमिट है कितनी, 0 से लेके 2, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर देंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे, 2 to 4/3 हो जाएगा, 4/3 कर दिया और ब्रैकेट इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की पावर कितना है 3/2, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 3/2 और माइनस 0 की पावर 3/2, मतलब अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे देखो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, ये 2/5 कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख लेंगे, ठीक है। x की पावर कितना 5/2, तो यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट 2 की पावर 5/2 माइनस 0 की पावर 5/2, अरे 0 की पावर कितने भी हो वो तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। जो गधा होता है ना गधा, उसको कितना भी नहला धुला दो, कितना भी अच्छा कपड़ा पहना दो उसे, मतलब कपड़े का मतलब है कितना अच्छा उसे बना दो रहेगा तो गधा ही, वैसे ये 0 है, कितनी भी इसी में पावर लगा दो रहेगा 0 ही, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा 4/3 बाहर लिख देंगे इसको, और 2 की पावर 3/2 है तो इस पर 2 की पावर 3/2 लिख देंगे, ये हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। ये क्या है माइनस 2/5 और 2 की पावर 5/2, ठीक है, इस तरीके से लिखिए। यदि इस देखो यही हमारा आंसर है, यदि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो तो एक काम करिए, इसको एक तरीका है काम, इसको एक तरीका है सॉल्व करने का, ये 4/3 आपका लिखा हुआ है और ये जो 3/2 है तो इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/2 को 3, ठीक है, वो मल्टीपल 1/2, तो ये तो 3/2 ही तो हो गया, तो 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ पे ये 5 है तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ब्रैकेट ऊपर 1/2, ठीक है, इसे क्या कर दिया 1/2, तो ये भी तो 5/2 ही तो हो गया, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 और ये, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया अंडर रूट के अंदर 1/2 का मतलब अंडर रूट लग जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8, कितना हो गया 8, और माइनस 2/5 वो अंडर रूट के अंदर 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, समझ में आ गया, ये भी आपका आंसर, ठीक है, ये भी आपका आंसर। और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो अंडर रूट के अंदर से 8 को हम लिख सकते हैं, इसको हम अंडर रूट 8 लिखा हुआ है तो इसको 4 × 2 लिख सकते हैं, ये 4 है बाहर निकल के आ जाएगा, तो अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। अब 32 लिखा हुआ है, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 × 2, तो 16 कितना 4 का स्क्वायर होता है, 4√2 इसको हम लिख सकते हैं, किसको अंडर रूट 32 को, तो इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 × इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को मैंने क्या बताया 2√2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2/5 लिखा हुआ है हमारे पास, और 32 को कितना लिखते हैं 4√2, तो 4√2 कितना लिख देंगे 4√2, ठीक है, ऐसे हमने इसको लिख दिया। तो अब इसको हम क्या कर देंगे 2 4 8, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 8√2/3 और माइनस 4 2 8√2/5, ये तो कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो इसका मतलब ये है, अच्छा देखिए थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर देते हैं, दिख रहा है तो कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे, ठीक है। अब देखिए आंसर ये भी आपका सही है, ऊपर से आपको दिख रहा है ना 8√2 दोनों ऊपर से 8√2 कॉमन ले लो, अब ब्रैकेट में बचा क्या मेरे पास 1/3 − 1/5, इसको एलसीएम लेके जैसे ही हम सॉल्व करेंगे 8√2 तो ये लिखा हुआ है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 50, 3 × 5 = 15 माइनस 5 × 3 = 50, ठीक है। अब इसको 8√2 तो मेरा लिखा हुआ है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 2/15 और 8 × 2 = 16 कितना होता है 16√2/15, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अब नोट कर लो, देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे कैसे करेंगे,
तो इसको तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप ये देखो ये लिखा हुआ, आपको पता है यदि हमारे पास क्या हो, लॉग m की पावर n लिखा हो, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, n लॉग m ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो है ना, ये n का काम करेगा और ये m का काम करेगा। तो इसे कैसे हम लिख सकते हैं, i के इक्वल इसे लिख के चलो, ठीक है, i के इक्वल लिख के चलेंगे। तो i इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाई टू हमारी लिमिट दे रखी है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लॉग साइन, यहाँ पे क्या है साइन x, तो इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, माइनस लॉग साइन 2x और ये dx, ठीक है। अब आपको पता होगा, देखो फॉर्मूले हम लिखते जा रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान से इसे देखते जाना, यहाँ पे ना लिखे हम यहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। ये आपके पास फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, log m माइनस का log n, तो ये m का काम करेगा और ये n का काम करेगा, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। ये अभी इस फॉर्म में है, मुझे इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे हो जाएगा, i इक्वल्स टू लिमिट जीरो से लेके पाई बाई टू हमारी हो जाएगी, और ये log m कितना है साइन स्क्वायर x, और नीचे कितना है साइन 2x, ठीक है, और ये dx। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin x और cos x, ये फॉर्मूला होता है। तो i इक्वल का साइन लगाएंगे, जीरो से लेके पाई बाई टू हमारी लिमिट है, ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो log साइन स्क्वायर और नीचे क्या है 2 sin x और cos x, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, ऊपर एक साइन बचा और नीचे एक कॉस बचा है, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाता है, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10x। तो लिमिट जीरो से लेके हमारी पाई बाई टू दे रखी है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो साइन बटे कॉस 10 बन जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10x, लेकिन डिवाइड में कितना है यहाँ पे 2, इसको इस तरीके से हम लिख देंगे, और ये dx। अब आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और अभी ये इस फॉर्म में दे रखा, इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है इसको। तो बच्चे कैसे करेंगे इसको, i इक्वल का साइन लगाएंगे, लिमिट जीरो से लेके हमारी पाई बाई टू हमारी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x dx, अच्छा 10x पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और माइनस का ये यहाँ पे लॉग नहीं लगाया हमने, क्यों इतनी बड़ी गलती, लॉग तो लगेगा भाई, लॉग 10x और डिवाइड में कितना है 2, ठीक है, और ये dx, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। तो एक बच्चे क्या हो जाएगा, log 10x, ठीक है, log 10x माइनस log 2, ठीक है, log 2, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में क्लोज कर देगा हमारा dx। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको हम i1, हाँ पहले इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, पहले इंटीग्रेट कर दो, जीरो से लेके पाई बाई टू कर दो, यहाँ पे log ये कितना हो जाएगा मेरा, log 10x है मेरा, ये कितना लिखा, log 10x लिख दिया, ठीक है, log 10x और माइन, अच्छा यहाँ पे dx भी लिख दो, dx और माइनस का साइन, इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाई टू लिमिट हो गई, log 2 और ये dx। अब इसको एक काम करो, इसको मान लो i1 और इसको मान लो i2, I1 I2 मान के सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, नॉट प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन लगा दो, ठीक है, बाद में लफड़ा होता है। तो I1 की पहले हम क्या करें, टेकिंग I1, जैसे स्टूडेंट्स I1 को हम लेंगे, तो I1 क्या है मेरे पास, I1 क्या है हमारे पास, लिमिट जीरो से लेके पाई बाई टू और log 10x और ये dx, ठीक है, यही है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट जो जीरो से लेके ये जब हमारी लिमिट हो वो f of x dx इस तरीके से फंक्शन हो, तो प्रॉपर्टी हमने क्या बताया था, जीरो से लेके a f of a माइनस x और dx, यही तो प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको, इसको इसमें यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो i1 इक्वल का साइन इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, log 10 पाई बाई टू माइनस एक्स और ये dx, कुछ इस तरीके से। आपको पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, tan 90 माइनस थीटा इसका होता है प्लस का cot थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i
वन इक्वल का साइन इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाई टू लॉग टेन की जगह क्या आ जाएगा कॉट एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हमने जब आई वन यहाँ पे यहाँ माना था, इसको यदि हमने कई इक्वेशन कोई इक्वेशन दिए नहीं दी तो इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है, इसे इक्वेशन सेकेंड दे दो, इसे इक्वेशन थर्ड दे दो, बात को समझते जाना। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, जैसे ही करेंगे तो आई वन प्लस आई वन, देखो आई वन प्लस आई वन मैंने ऐड कर दिया, ये क्या है देखो जीरो से लेके पाई बाई टू, अब ये कॉमन ही है, देखो इसमें भी जीरो से लेके पाई बाई टू लिमिट है, इसमें भी है, और dx इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना log 10x प्लस log cot x, और बाहर कितना दे देंगे dx, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फॉर्मूला होता है log m इंटू एन, जब मल्टीपल में हो तो क्या हो जाता है log m प्लस log n, ये होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आई आई कितना 2i बन जाएगा, यहाँ पे 2i बन, यहाँ पे लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा log 10x और ये cot x और ये dx। आपको बच्चे पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है मेरा 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है, जैसे हम टेन की जगह 1 अपॉन कॉट थीटा लिखें तो कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना 1, तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 0 से लेके पाई बाई 2, और ये कितना बचा लॉग 1 बचा, और ये डी एक्स, तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये कितना हो जाएगा यदि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं ये 2 है इसका इधर भाग कर दें 1/2, तो ये कितना हो जाएगा इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 0, तो 1/2 इंटू 0 ऑल ओवर कितनी आ गई वैल्यू 0, तो आई वन की वैल्यू जो मेरी निकल के आई वो कितनी आई 0, ठीक है। अब हम क्या करें, मेरे पास जगह तो नहीं है, हम यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इतने में हो जाएगा अपना काम। आई वन की वैल्यू कितनी आ गई 0, आई टू, आई टू इक्वल्स टू देखो मेरे पास कितना है लिमिट, लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 है और लॉग 2 है, तो लॉग 2 तो मेरा कांस्टेंट है तो इसे बाहर लेंगे, लॉग 2 लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 और ये डी एक्स, तो इसका यहाँ पे मतलब क्या है 1, तो यहाँ पे ये लॉग 2 है, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा x, तो ये कितना हो जाएगा आई टू इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे लॉग 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा और लिमिट कितनी है 0 से लेके पाई बाई 2, जैसे हम लिमिट यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग 2 और पाई बाई 2 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 और ये लॉग 2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी आई टू की। हम आई वन और आई टू दोनों की वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो अच्छे आपको देखो पता क्या है आई वन की वैल्यू कितनी आई 0, तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो लिख देना इक्वेशन जो आई वन और आई टू के मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई टू ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, आई वन की वैल्यू कितनी है मेरी 0 माइनस, ये माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है, कितनी है पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है, तो वैल्यू कितनी निकल के आई पाई बाई 2 और लॉग 2 निकल के आएगी, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। अब नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 इसको कैसे करना है प्रॉपर्टी यूज़ करें, देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये साइन स्क्वायर एक्स है, एक इवन फंक्शन है, मैंने आपको बताया इवन फंक्शन कैसे चेक करेंगे, जब हम देखो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई, जब देखो क्या होती है माइनस ए से लेके प्लस का ए, ठीक है, माइनस ए से लेके प्लस का ए, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स इक्वल्स, ये क्या हो जाता है 2 टाइम्स लिमिट 0 टू ए हो जाता है, और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स कब होता है, जब If f of x is a even function, ठीक है, even function हो, अब even function कैसे होगा, और एक दूसरी condition तो ये 0 हो जाता है, कब होता है ये 0, जब हमारा जो f of x है वो f of x कैसा हो odd function हो, कैसा हो odd function, अब even है odd है वो मैं कैसे चेक करूँगा, मैंने आपको बताया था लेकिन यहाँ पे भी आपको बता दे रहे, x है उसकी जगह पे हम क्या माइनस x पुट कर देंगे, तो देखो अभी हमारे पास f of x बराबर क्या है, यहाँ पे सीधी सी बात ये थी, यदि हम f of x, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं ये लिमिट हम जैसे माइनस यहाँ पे पुट कर दें, माइनस x पुट कर दें, तो माइनस
एक्स पुट करने पर भी हमारी यदि प्लस में वैल्यू आ जाती है तो हमारा इवन फंक्शन है, और यदि यहाँ पे माइनस पुट करने पर यदि आपकी माइनस ही एफ ऑफ एक्स आ गया, माइनस का फंक्शन आ गया, तो वो आपका ऑड फंक्शन है। अब इसमें चेक करते, देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हमारे पास है, साइन स्क्वायर एक्स है। यदि हम इसमें क्या करें, देखो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। यदि हम क्या करें इसमें ऐसा करें माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है माइनस एफ ऑफ एक्स निकालें इसका, माइनस का एफ ऑफ मैंने बताया था यदि माइनस का एफ ऑफ एक्स निकालो वो फिर प्लस का ही आ जाए तो कैसा होगा आपका इवन फंक्शन होगा। तो इसमें जैसे हम करेंगे साइन माइनस एक्स इस पूरे का स्क्वायर है, तो साइन देखो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है इसका है स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का क्या है साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स ही तो है, तो फाइनली मेरी वैल्यू क्या समझ में आ गई, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या निकल गया प्लस का एफ ऑफ एक्स। तो ये मतलब क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, मतलब ये सम फंक्शन सम फलन है, कैसा एक सम फलन है, तो सम फलन है इसका मतलब क्या हुआ, ये आई के इक्वल चल रहे हैं, तो ये मतलब इसका क्या हुआ जीरो से लेके सॉरी हाँ ये जो है हमारा माइनस के पाई बाई टू से प्लस का पाई बाई टू जो दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा टू टाइम्स जीरो से लेके पाई बाई टू लिमिट चली जाएगी, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता होता है कि कॉस टू थीटा बराबर होता है मेरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ पर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा माइनस का वन स्क्वायर टू माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको जैसे हम क्या करेंगे माइनस के अंदर मल्टीपल, देखो यहाँ से माइनस साइन कॉमन है तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा, इसको माइनस का टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा टू का इधर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा और डिवाइड में कितना हो जाएगा टू, ठीक। तो इस वैल्यू को हम रख दें, हम डायरेक्ट भी रख सकते थे लेकिन आपको मैंने निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू, इसकी जगह हम क्या रख देंगे वन माइनस कॉस टू थीटा और डिवाइड में कितना हो जाएगा टू, ठीक है। और ये डी एक्स यहाँ पे थीटा की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे एक्स को यूज़ करेंगे, इस टू से टू को कैंसिल आउट कर देंगे, वो इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे, इंडिविजुअल का मतलब है अलग अलग, ठीक है। पाई बाई टू वन डी एक्स माइनस जीरो से लेके पाई बाई टू कॉस टू एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब इसको सिंपली वन का क्या हो जाएगा एक्स और लिमिट कितनी हो जाएगी जीरो से लेके पाई बाई टू माइनस साइन टू एक्स का क्या हो जाएगा साइन कॉस टू एक्स का क्या हो जाएगा साइन टू एक्स डिवाइड में टू और लिमिट जीरो से लेके पाई बाई टू हो जाएगी। देखिए इसमें लिमिट यूज कर देंगे पाई बाई टू माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का साइन वन बाई टू को तो बाहर ले लेंगे और ये साइन कितना है टू इंटू पाई बाई टू माइनस का साइन टू इंटू जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना रह जाएगा सिर्फ पाई बाई टू, कितना हो जाएगा पाई बाई टू और ये माइनस का वन बाई टू है माइनस का वन बाई टू और साइन देखो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, कितनी होती है साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ऑल ओवर ये देखो इससे टू से टू कैंसिल आउट होगा साइन जीरो पाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी इंटू जीरो करेंगे तो कितना पाई बाई टू ही मेरी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी पाई बाई टू मेरा आंसर, ठीक है आंसर नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर मेरा 12 है, इसे कैसे करेंगे, देखो इसमें हम इसे सिंपली आई के इक्वल मान के चलते हैं, ठीक है आई की इसे इक्वेशन दे दो फर्स्ट और इसमें प्रॉपर्टी लगा दो जीरो से लेके ए, जो हमारी प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स लिखा हुआ है तो ये जीरो से लेके ए तो रहेगी और यहाँ पे क्या ए माइनस एक्स और ये डी एक्स, इसको यूज कर देंगे तो आई इक्वल का साइन इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई और ये क्या हो एक्स पाई माइनस एक्स, ठीक है पाई माइनस एक्स नीचे को वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स अस्सी माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन एक्स अस्सी माइनस थीटा बराबर प्लस का साइन ही थीटा होता है जीरो से लेके पाई और पाई माइनस का एक्स नीचे भी वन प्लस साइन एक्स ही रहेगा डी एक्स, इसी इक्वेशन नेम दे दो सेकेंड। अब क्या कर दो एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है ऐसे मतलब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा टू आई इक्वल का साइन जीरो से लेके पाई, ये कॉमन है तो इसी इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है कॉमन आ जाएगा क्योंकि जीरो से लेके पाई बाई पाई इसमें भी लिमिट है जीरो से लेके पाई इसमें भी लिमिट है, इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस का एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। और ये यहाँ पे इस तरीके से हम लिख देंगे डी एक्स, तो इनका एलसीएम देखो दोनों का यहाँ पे जो टू है इसका हम इधर डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ पे वन बाई टू आ जाएगा, लिमिट जीरो से लेके पाई हमारी है ही और इसमें वन प्लस साइन एक्स, ठीक है ऊपर जो है वो संख्या ऐड कर देंगे
इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और डी एक्स, तो एक्स से एक्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, मुझे दिख रहा है, तो वन बाई टू लिमिट जीरो से लेके पाई, ऊपर क्या बच रहा है सिर्फ पाई, और नीचे क्या है मेरा वन प्लस साइन एक्स, ठीक है, वन प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। अब क्या करो इसमें, कंजुगेट से मल्टीप्लीकेशन कर दो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, कंजुगेट का मतलब ये होता है कि वन प्लस साइन एक्स है ना, तो वन माइनस साइन एक्स से मल्टीपल कर दो ऊपर और नीचे, हर और अंश दोनों में ही, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखो कैसे करेंगे, आई इक्वल का साइन पाई बाई टू, तो देखो पाई तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, पाई बाई टू हो गया, लिमिट कितनी है मेरी जीरो से लेके पाई। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वन प्लस साइन एक्स तो मुझे नीचे दे ही रखा है, हम क्या करेंगे वन माइनस साइन एक्स और ऊपर भी वन माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है ये डी एक्स, राइट। तो I इक्वल का साइन पाई बाई टू यहाँ पे लिखेंगे, जीरो से लेके मेरी पाई लिमिट गई है, और वन माइनस का साइन एक्स, और नीचे क्या है हमारे पास वन, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। आपको पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है वन, तो यदि हम यहाँ से वन को यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले, कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यही है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आई इक्वल का साइन पाई बाई टू यहाँ पे है, और लिमिट जीरो से लेके मेरी पाई है, वन माइनस का साइन एक्स, नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। तो हम इसको क्या कर देंगे इंडिविजुअली, पहले इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो ये क्या पाई बाई टू लिमिट जीरो से लेके पाई, तो वन के डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो इसे कॉस एक्स और कॉस एक्स में तोड़ दो, ठीक है, और ये डी एक्स। तो देखो इससे क्या फायदे होंगे, आई इक्वल का साइन पाई बाई टू लिमिट जीरो से लेके पाई हमारी है, ठीक है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स, और वन अब देखो ये कॉस और बचा है, तो वन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, ठीक है, और ये क्या हो गया यहाँ पे डी एक्स। तो आई इक्वल का साइन पाई बाई टू और ये इंटीग्रेशन का साइन जीरो से लेके पाई बाई टू इंडिविजुअली से इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब ये देखो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस पाई बाई टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई टेन एक्स इंटू सेक एक्स, क्या है टेन एक्स इंटू सेक एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे बच्चे होगा पाई बाई टू तो आगे है ही मेरा, सेक स्क्वायर एक्स का हम करते हैं इंटीग्रेशन तो आता है मेरा टेन एक्स, और यहाँ पे जीरो से लेके लिमिट है पाई, ठीक है, माइनस पाई बाई टू इसको टेन एक्स इंटू सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स, ठीक है, और ये लिमिट जीरो से लेके पाई, इसकी हम लिमिट यूज कर देंगे, ठीक है, जीरो से लेके पाई हमारी लिमिट है, और टेन में करेंगे तो टेन पाई माइनस टेन जीरो, ठीक है, माइनस पाई बाई टू और लिमिट सेक पाई माइनस सेक जीरो, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, सेक पाई और सेक इसकी सभी की वैल्यू पता है तो हम कर पाएंगे। अब टेन 180 की वैल्यू कितनी होती है, यदि आपको नहीं पता है तो आप एक काम कर लीजिए, टेन 90 प्लस 90, टेन 90 प्लस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस का कॉट थीटा, ठीक है, माइनस का कॉट थीटा, और कॉट यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन कॉट 90 हो जाएगा, और कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है आई थिंक जीरो होती है, ठीक है, तो जीरो ही हो जाएगी इसकी वैल्यू, कितनी हो जाएगी जीरो। तो पाई बाई कितना है टू है, कितना है पाई बाई टू है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी जीरो, और टेन जीरो की ऑलरेडी जीरो होती है, माइनस के पाई बाई टू सेक जीरो की वैल्यू, यदि हम देखेंगे सेक 90 प्लस 90 बराबर कॉसेक, और कॉसेक 90 की वैल्यू होती है वन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आई थिंक वन ही होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू बन ही होगी, तो ये जीरो हो जाएगा क्या, तो इसकी वैल्यू जो हमारी क्वेश्चन नंबर कितना है मेरा ये यहाँ पे सॉरी इसकी वैल्यू होगी माइनस की वन, तो माइनस की वन होगी तो ये हो जाएगा एक सेकेंड मैं रिचेक करता हूँ, सेक जीरो की वैल्यू, सेक जीरो की वैल्यू का मतलब ये है कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास वन होती है ना, और तो बन ही होगी इसकी वैल्यू, तो वन है, और 180 की वैल्यू होगी कितनी,
तो सेक 180 प्लस कितना होगा, सेक 90 प्लस 90 बराबर माइनस का कोसेक 90 और माइनस का 1। अच्छा ठीक है, ये माइनस की 1 होगी, देखो ये इसकी वैल्यू होगी माइनस की 1 इस तरीके से होगा। ये जीरो, ये तो हो जाएगा जीरो, पाई माइनस मल्टीपल में जीरो है, पूरा जीरो हो जाएगा। ये देखो माइनस का है कितना, माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। और ये देखो माइनस का 1 है और ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 से माइनस से माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो कितना वैल्यू आएगी, सिर्फ पाई, ठीक है। तुम्हारी वैल्यू आएगी पाई, यही हमारा आंसर है, नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे कैसे कर पाएंगे, देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं कि साइन की पावर कितना है, 7 है। 7 कैसा है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसका सीधा सा संबंध मतलब है इसमें कि ये साइन की पावर 7x, ये एक ऑड फंक्शन है। आपको हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, लिमिट हमारी यदि माइनस का a से प्लस का a जा रहा है और f ऑफ x dx है, तो ये क्या होता है, एक तो होता है इसके दो मतलब होते हैं, एक तो क्या होता है ये 2 टाइम्स होके 0 से लेके a चला जाता है, f ऑफ x और dx बनता है, कब, ये जब हमारा f ऑफ x कैसा हो, एक इवन फंक्शन हो, कैसा हो, इवन। और दूसरा एक होता है 0, कब, जब f ऑफ x हमारा कैसा हो, ऑड फंक्शन हो। तो यहाँ पे सीधा से दिख रहा है साइन की पावर, साइन की पावर 7x कैसा, एक ऑड फंक्शन है। क्यों है ऑड फंक्शन, यदि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर साइन x की पावर 7, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कैसे इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, यदि इसे माइनस पुट कर दें तो माइनस एक्स, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दें 7, तो ये क्या माइनस का साइन एक्स और इसकी पावर 7, तो ये देखो माइनस का ये तो रहेगा माइनस का साइन एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स जो हुआ है मेरा कैसा, माइनस का आ गया ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन की पावर 7x। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, इंटीग्रेशन माइनस के लिए, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 और साइन की पावर 7x dx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यही हमारा आंसर है, ठीक है, नोट कर लो इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, इसको हम कैसे करें, देखो हमने एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी स्टूडेंट्स, यदि हमारी लिमिट 0 से लेके 2a जा रही हो और f ऑफ x dx दे रखा हो, ये स्टूडेंट्स के दो पार्ट आते हैं आउटपुट में, कि ये देखो 2 टाइम्स होता है 0 से लेके, जो लिमिट यहाँ पे होती है वो हाफ हो जाती है, 0 से लेके a हो गया और ये f ऑफ x और ये dx। अब ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, इफ क्या होता है, f ऑफ 2a, जो ये है ना लिमिट, इसको हम क्या करें, 2a माइनस यहाँ पे जो x दे रखा होता है, x बराबर यदि हम करें तो क्या जाए, f ऑफ x कैसा है, प्लस का आना चाहिए, उस कंडीशन में होता है। और दूसरा होता है ये हो जाएगा 0, क्या, कब, इफ f ऑफ 2a माइनस x बराबर कैसे, माइनस का f ऑफ x आ जाए। तो यदि इसमें हम अभी फिलहाल देखें क्या होगा, यदि इसमें हम देखें 0 से लेके कितना है मेरे पास, 2 पाई है, 0 से लेके 2 पाई है, यदि हम देखें यहाँ पे 0 से लेके 2 पाई है और कॉस की पावर कितना है, 5 है। आप एक काम करिए, कॉस की पावर 5 है तो कॉस x की पावर 5 लिख दो, तो कॉस 2 पाई माइनस x करो, तो कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है मेरा, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है मेरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस का ही जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का, और सॉरी प्लस का कॉस थीटा जाएगा, प्लस का कॉस थीटा जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसके मतलब ये कैसा है, प्लस का आ गया ना, प्लस की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इवन फंक्शन, मतलब कि ये इवन क्या है, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब कि ये 2 टाइम्स जाके इस लिमिट में इस फॉर्म में टूट जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेके हमारी लिमिट कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी, और यहाँ पे कॉस 5 है तो कॉस की पावर 5x ही रहेगा, ठीक है, वो प्लस में, जो मैंने इससे यहाँ पे आपको समझा दिया कैसे आया, ठीक है। अब हम इसी प्रॉपर्टी को फिर से लगाएंगे, अब हम देखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अब ये पहुँच गया मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब होता है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम यहाँ पे लगाएंगे, इसकी पावर 5 भी करेंगे, इसकी यदि हम पावर 5 भी कर दें, ठीक है, इसकी पावर 5 कर दिया तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये माइनस का ही रहने वाला है, तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जब माइनस का आएगा उस कंडीशन में इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो 2 × 0 कर देंगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। और स्टूडेंट्स इसमें हम, ये मेरा पार्ट सेकेंड था, तो इसमें हमने 8 to 14 क्वेश्चन
कवर किए। ये हमारा पार्ट सेकेंड कंप्लीट हुआ। इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम पार्ट थर्ड में कवर करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो वीडियो, आप यदि वीडियो से कुछ सीखना चाहते हो तो उसका सही से उपयोग करें। देखो क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, आप क्या करें क्वेश्चन को पहले पूरा देख लें, उसके बाद वीडियो पोस्ट करें, फिर अपने मन से, ठीक है, ऐसा नहीं हो किताब इसको जो मैंने दिखा उसी को देख देख के छापते जाएं, तो आप नहीं सीख पाएंगे उससे। वीडियो को ही रोक दें, पूरा क्वेश्चन एक बार सही से देखने के बाद फिर अपने मन से अपना दिमाग लगा के उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। जहीं आपको समझ में ना आए तो वहीं पर आप वीडियो को देख लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। हम क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लेके इसलिए कर रहे हैं, एक एक चीज़ को हम उसमें सॉल्व करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। इसलिए हमें जो टाइम भी लग रहा है, वीडियो हम चाहते तो एक घंटे में पूरा कवर करके दे देते, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे देते। हम पार्टों में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक एक पॉइंट को कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगने की कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में, आपके माइंड में कोई भी क्लू नहीं रहना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि कैसे ये कोई डाउट है, तो सारे के सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद।